हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। आज मैं आपके साथ रगड़ा पैटिस की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चाट खाना तो हर किसी को पसंद होता है, और अगर ये जितना कलरफुल और जितना ब्राइट दिखने में दिख रहा है, उतना ही ज़्यादा टेम्पटिंग अगर खाने में भी मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या होती है। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी कि रगड़ा पैटिस कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 कप जितना सफ़ेद मटर ले लेना है। इसे ओवरनाइट हमें सोक कर लेना है पानी में। सुबह देखिए ये मटर ऐसे फूल के रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास ओवरनाइट जितना टाइम नहीं है तो तकरीबन 3 से 4 घंटा तो मिनिमम इसे आप सोक करें, तो फिर गलने में बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं इसे एक प्रेशर कुकर के अंदर पकाने वाली हूँ। तो मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें मटर को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और 2 कप मटर के लिए तकरीबन 4 कप पानी हम लेंगे, या आप पानी उतना ले लें जितने आपके मटर पूरी तरह से पानी में भीग जाए। तो ये मैंने पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून जितना नमक डाल रही हूँ। बस ये 2 ही मसाले अभी हम डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर ले इसे, और ढक्कन लगा के इसे हमें गैस पर रख देना है, और इसकी 4 से 5 सीटी ले लेनी है। या आप इसे तब तक पका लें जब आपको लगे कि मटर पूरी तरह से गल चुके हैं। यहाँ पे हम आलू की टिक्की बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, और इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, या बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए अगर हम ग्रेट करते हैं तो इस तरह से इवनली हमें आलू मिलता है। तो मैंने अच्छी तरह से इसे ग्रेट कर लिया है, ये देखिए आप। अब इसमें हम कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक मसाले डालेंगे और लाजवाब टिक्की बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 हरी मिर्चें ले रही हूँ मैं, बहुत ही बारीक कट कर ले इसे। थोड़ा सा हरा धनिया ले लेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ले रही हूँ मैं। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून जितना अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर अदरक का पेस्ट नहीं है तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो आता है वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 बड़े चम्मच भर के ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लावर या मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स से बहुत ही अच्छा कुरकुरापन आ जाता है टिक्की के अंदर। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से सब मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी और अपने हाथों पर इस तरह से ग्रीस कर लूँगी, ताकि जब हम टिक्की बनाएं तो जो बैटर है आलू का वो हमारे हाथों पे स्टिक ना हो, और थोड़े छोटे छोटे बॉल्स लेके इस तरह से हमें टिक्की को बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से प्रेस कर देना है हमें। ठीक इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल हाथों पर लगा लें और कुछ बैटर ले और इस तरह से बॉल्स बनाएं पहले, और फिर उसे प्रेस कर दे दोनों हथेलियों के बीच में। तो इस तरह से जो टिक्की है वो काफ़ी अच्छी इवनली हमारी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। मसाले भी हमने बहुत कम डाले हैं, और ये देखिए सारी टिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल का ले रही हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम हमारी जो टिक्कियाँ है वो एक एक करके पैन में रखते जाएंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रखेंगे हम, और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। हमारे जो आलू है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, हमें सिर्फ इसके ऊपर एक गोल्डन अच्छा सा क्रिस्पी कलर लेके आना है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पहले एक साइड पकाएंगे इसे, और फिर इसे फ्लिप करके देखेंगे। अगर आपको लगता है कि गोल्डन कलर आ गया है एक अच्छा सा, तो फिर हम इसे दूसरे साइड से भी पका लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम एक टिक्की को टर्न करके देखते हैं, और ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर हमारी टिक्की के ऊपर आ गया है। तो मैं इसी तरह से सारी जो हमारी टिक्की है उसे मैं टर्न कर रही हूँ। जो पैटीज है वो बिल्कुल बनके तैयार है, देखिए। अब मैं जो दूसरा साइड है पैटी का वो भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से पका लूँगी। यहाँ पे हमारे जो मटर है वो देखिए कितनी अच्छी तरह से पक के रेडी हो गए हैं। हल्के हल्के हाथों से इन्हें मैश भी करते जाएं आप, और ये अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत गाढ़ी है। तो मैं अब इसका प्रोसेस आपको बताती हूँ कि हमारा जो रगड़ा है उसको फाइनल टच हमें कैसे देना है।
तो जो पैन में हमने टिक्की फ्राई की थी उसी पैन में मैं एक चम्मच तेल डाल रही हूँ। जो हमारी फ्लेम है उसे हमें लो रखनी है और सबसे पहले हम एक टीस्पून जितना ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून जितना राई डालेंगे और अच्छे से इन्हें क्रैकल कर लेंगे। फ्लेम याद रखिए लो पे रखिए, नहीं तो आपके जो ज़ीरा और राई है वो जलने का डर हो जाएगा। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें डाल रही हूँ मैं, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है और कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो इसे भी एक हल्का सा आधे सेकंड के लिए पका लेंगे। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे जो मटर थे वो। तो मटर की कंसिस्टेंसी अभी आप देख सकते हैं बहुत जारी है, और आपने ठेलों पे या जहाँ पे चाट सेंटर होता है वहाँ पे भी देखा होगा मटर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत जारी होती है। जैसे जैसे बनाने लगते हैं लोग, जैसे जैसे आपको सर्व करने लगता है तब उसमें थोड़ा पानी ऐड करते जाते हैं और हमें देते हैं, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी हमको डालना है और उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो एडजस्ट करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने तकरीबन 1 कप जितना पानी डाला है और मुझे इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी जो मुझे मिल चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट है हमारा रगड़ा। अब चलते हैं हमारे फाइनल असेंबलिंग के प्रोसेस के लिए। तो रगड़ा लिया है मैंने जो अभी बनाया, इमली की चटनी बनाई है मैंने, ग्रीन चटनी जो है वो भी रेडी है, और यहाँ पे हमारी सेव है, बारीक सेव जिसे कहते हैं, आलू टिक्की भी हमारी बनके तैयार है, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, प्याज, हरा धनिया और थोड़े से अनार के दाने जो गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, चाट मसाला और लाल मिर्ची का पाउडर। बिल्कुल हमारी सारी चीज़ें रेडी है, अब चलते हैं असेंबलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम एक प्लेट के अंदर रगड़ा डालेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अभी तक आपने देखा होगा कि हमने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसाले यूज़ नहीं किए हैं, घर के बेसिक 3-4 मसालों के साथ हमें रगड़ा और पैटी बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने रगड़ा डाला है, 2 से 3 चम्मच डाल दें या आपको जितना आपको क्वांटिटी लेनी है उतनी डालें। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच रगड़े के डाले हैं, 2 पैटी ले ली है, 2 चम्मच जितना मैं यहाँ पे इमली की चटनी डाल रही हूँ, 1 चम्मच जितनी हमारी चटनी डाल देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़े से वेजिटेबल्स डाल देंगे, थोड़ी सी प्याज स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़े से टमाटर भी डाल देंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे इसके ऊपर, और चाट मसाला हल्का पिंच हमें डालना है, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो लाल मिर्ची का जो पाउडर है वो स्किप कर दें, हरा धनिया भी मैं अब डाल रही हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे बारीक जो सेव आती है वो भी हम डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और लास्ट में मैं यहाँ पे अनार के दाने डाल रही हूँ। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हमने रगड़ा और पैटीज बनाकर तैयार किया है। ये देखिए कितना टेम्पटिंग और कितना लाजवाब दिख रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा जो रगड़ा पैटिस है वो बनकर तैयार है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत कम मेहनत में हमने हमारा रगड़ा पैटी बना के तैयार किया है। अगर आपने जो मटर है वो 1 रात पहले से भिगो के रखे हैं तो आपको उसे गलाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और पैटिस तो आपने देखा बहुत ही ईजीली हमने बनाकर तैयार की है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।